हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, अभी तिरपाल निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कहाँ से तिरपाल निकाल रहे हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ अभी कमेंट में पढ़ के आया दोस्तों, कितना अच्छा ज्ञान मिला मेरे को। आकाश को मैं भी बता दिया हूँ कि चावल को, आटा को क्या बोलते हैं, चौकट बोल चौसठ चौरठ चौरठ। आकाश को मैं ऑलरेडी सीखी हुई देख सकते हो दोस्तों। हाँ, मुझे पता है, पता है ना। तो ऐसे ही आप लोग से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो हमारा गुरु भी दिन पर दिन बनते जा रहे हैं। कमेंट द्वारा इतना प्यारा प्यारा चीज़ सिखाते हैं और वो बात हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, तो कितना अच्छी बात है। ऐसे हमें कोई गलती हो वीडियो में वही तो बताइए। उसको बताया करिए, हमारे बच्चों से भी कोई गलत लगे, कोई सब चाहे कुछ भी तो अच्छा समझाइए, हम लोग बताएंगे। और एक चीज़ और आ रहा था कि खाना खाते समय कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए कमेंट में, तो अच्छी बात है। शायद शायद का हमेशा ही अच्छी बात है। हम लोग पता नहीं, तो आज से हम लोग ऐसा ही फॉलो करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारे दिमाग से तो अच्छी ही बात होना चाहिए, खाना खाते समय प्रणाम शायद नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो ये भी एक सीखने को मिला। तो दोस्तों चलते हैं, अभी कहाँ से तिरपाल निकालते हैं दिखाते हैं। देखिए हवा कितना तेज, हवा बहुत तेज चल रहा है दोस्तों। कैसे भी इसको तिरपाल में डाल ही दूंगा आज। और ये वाला अभी सही नहीं हुआ, मैं चुना क्योंकि आकाश को मैं कल भूल गई थी। तो अभी मैं जाऊंगा साइकिल से, ठंड तो लग रहा है, पहले तिरपाल डाल लूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं हम लोग तिरपाल कहाँ से निकाल रहे हैं, आकाश को मैं क्या कर रखी थी, जहाँ सोते हैं उसके नीचे बिछा रखी थी। देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं निकाल ले रहा हूँ क्योंकि नया नहीं खरीद पाए। और देख सकते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं चूहा, ये पहले वाला है जी। हाँ देखिए, फिर ठंडी में नहीं ऐसी काम कर रहे हैं ना, दो जगह उसका है, एक इधर है, एक साइड है। इसको भी दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। हाँ, इसको साइड से हिंदी पे उठ के उसके बाद बिस्तर फिर लगाएंगे हम लोग। देखिए जैसे जैसे चिन्हा भी खोल गया है इस पर। और ये आप लोग देखे नहीं होंगे, ये देखिए दोस्तों कैसे पाइप बिछा रखे हैं बिस्तर के नीचे। पलंग नहीं है ना, खड़ी चौकी है। ये पाइप के जोड़ के, जो ईंटा के एक साइड में इधर जोड़े हैं, इधर ईंटा जोड़ के। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, इस पे गद्दा बिछा दिया आकाश को भी, इसी पे हम लोग सोते हैं पूरा मस्त। तो आप लोग साथ ये भी शेयर कर दिए तो हम लोग के दिमाग में आया ही नहीं था कि ये भी दिखा दे। तो आज तिरपाल निकाले तो आपको दिखने को मिल गया, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले तिरपाल निकाल लेते हैं, फिर इसका मिट्टी को साफ कर लेंगे आकाश को, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ। अब सही है ना सब? हाँ, तो ठीक है दोस्तों। तो देख सकते, मैं माना कर रहा हूँ लेकिन आकाश को मैं मान नहीं रही है, कर एक बस थोड़ी देर का काम है, मैं थोड़ा लिप देता हूँ, अच्छा दिखने लगेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों पाइप के नीचे कैसे लेटी हुई है। मैं मना कर रहा हूँ लेकिन मानती कहाँ है मेरा बात। और फिर मेरे को कहेंगे बर्तन धो, झाड़ू मारो और अपने बच्चों के लिए खाना बनाइए। तो देखिए दोस्तों कैसे कर रही, तो मैं क्या करूँ उस ठंड में, आपको ठंड लगवाऊँ, हटिए वहाँ से, मैं कर लूँगा, हटिए आप। हो गया इसी जगह थोड़ा, तो जल्दी हटिए वहाँ से, मिट्टी पे बिल्कुल बैठी हुई है, देख सकती है दोस्तों, गजब। आकाश की मम्मी हटिए जल्दी, आकाश बीजे विकास की मम्मी, देखिए हो गया, तो जल्दी करके हटिए, हल्का हल्का थोड़ा वो भर दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ठंड भी है ना, मैं कितना ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आकाश में उतने दुका दुका करना शुरू कर दे रही हैं। देखिए बकरी वाला घर में भी बहुत धीरे धीरे क्या कर दी है, मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोग शायद देखे नहीं होंगे, तो आज वीडियो में दिखा दूंगा आज, क्योंकि आज कैसे भी। अच्छा पानी दो, चलिए मैं दोस्तों पानी दे देता हूँ। तो देख सकते हैं आकाश को मम्मी मानी नहीं, लगाई दी सब, भर दी जितना बिल किए थे चूहा ने पहले का, अभी चूहा नहीं है, नहीं है ना जी। और मैं पानी भी दिया हूँ गर्म करके, तो खैर नहीं दिया लेकिन कल बहुत ज़्यादा चला दिया तो थोड़ा गर्म पानी निकल गया, तो ही दिया हूँ, तो इतना जल्दी जल्दी कर रही हैं, देख सकते हैं दोस्तों कितना जानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ आकाश के मम्मी और विकास विजय के मम्मी से। और फिर भी डांटते रहती हैं और ढूंढते रहती हैं कि ठंड लग जाए, मैं बैठे रहूँ आराम से बिस्तर पे, देख सकते दोस्तों। और देख सकते दोस्तों कैसे मफलर वफलर गजब लग रही है आकाश की मम्मी, लग रही। चलिए दोस्तों, भगवान ना करे कि कभी जिंदगी में किसी को ठंड लगे, अपना अपना सेफ्टी में सही है ना, ना जी आकाश की मम्मी। हाँ, और जितना हो सके उतना ही काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चल रहा हूँ अपना वो, अभी रहने दीजिए थोड़ी देर, थोड़ा उसमें हवा लगेगा तो सूख जाएगा।
दोस्तों एक चीज आपको दिखाया नहीं था, आकाश को मैं देखिए क्या कर रही थी, कितना मना करने के बाद ये आग जला दी है। और ये देखिए दोस्तों कहाँ तक लेप लगा दी है बकरी वाला रूम में, एक दीवार पूरा एक टाट पूरा ही कर दी है, देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए। और इधर थोड़ा सा कर दिए, अब मेरे से कह रहे मिट्टी ले आके इसमें रख दीजिए, मैं आग जला के अपना धीरे धीरे करते रहूँगा, क्योंकि जानवर को भी ठंड ना लगे और ठंड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, तो इसमें उतना हवा नहीं चढ़े इसमें तो ठंड नहीं लगा, हाथ से कर दिए। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, फिर कलर भी कह रहे इसमें मार देंगे। दोस्तों देख सकते हैं वहाँ का काम क्लियर कर दिया आकाश के मम्मी, और तिरपाल यहाँ रखा है। अभी इसमें मैं सोच रहा हूँ कैसे टानूँ, क्योंकि आग पे खाना बनाना होता है दोस्तों, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, तो थोड़ा मैं सोच समझ के ही करूँगा। और देखिए दोस्तों आकाश को मैं आके अपना बर्तन धुल ले रही है, कि थोड़ा हाथ किया मिट्टी मिट्टी में तो बर्तन भी धुल लूँ, सही बात है। और मौसम वैसी की वैसी है दोस्तों, ठंड। चलिए मैं तिरपाल का मैं क्या करूँ समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ करूँगा। तो देख सकते हैं आकाश को मम्मी क्या कर रही हैं बकरी वाला रूम में, ठंड ठंड से बचने के लिए एक तो आग ताप रही है, और क्या कर रही हैं जी अभी देखेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों गजब, खाने के लिए दोस्तों, खाने के लिए आप मीठी नहीं है दोस्तों, देखिए। और बताया नहीं दोस्तों ये अंडा है, वो भी देसी वाला है, इन्हीं का मुर्गी जो अंडा दी है वही है, मीठी में लपेट के ऐसे तोप के रख दे रखी थी, तो देसला मुर्गी का अंडा है। गजब आकाश का मम्मी कितना प्यारा सा क्या का सीखी है, मिट्टी लगा के आग में डाल दी है, उबल गया होगा, पक गया है, खाओ तेरा शरीर में एनर्जी आएगा, ठंड नहीं लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं विजय का क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं जी इसको, ये जो पाइप छोटा सा है ना उसमें लगाऊंगा, थोड़ा आगे का जो ये मुंह है पतला करके उसमें, तो फिर उसी पे तिरपाल बढ़िया से बैठ जाएगा। और बाकी मैं देखता हूँ, पहले इसको काट लेता हूँ, पातर करना, हाँ काट लेता हूँ, उसके बाद उसमें चेक करूंगा, अगर ऐसी हो जाएगा ना। और दोस्तों ये इतना ठंड है कि मत पूछिए, इनके बर्तन से भी ज्यादा ठंड है, पूरा ठंड आ गया है, पाला लगता है ना। और इसको आराम से चढ़े हटा दी है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आ जाता है कि नहीं, मैं चेक कर लूंगा कितना पातर मस्त हो जाएगा, पातर कर बांध भी दूं क्या, नहीं नहीं पातर कर दे वहाँ पर, अब अंदर कर दीजिए पतला कर देते, हाँ हाँ वहाँ बरियार रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको पतला कर लेता हूँ, पहले आराम से उतर दें चार। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे सिर के पातर करें, क्योंकि जो छाला है ना उसी को साफ कर देते हैं, बस पतला हो जाएगा ना जी। और काम करना दोस्तों भूला नहीं हो, कमेंट में आ रहा था कि आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते, एक आदमी किए थे तो हम लोग यूट्यूब ब्लॉग भी बनाते हैं और फैमिली को हेल्प कर रहा हूँ ठंड में, वो भी एक दोस्तों काम ही है। और ऐसा नहीं कि मैं यही सब करूँगा, काम नहीं करूँगा, कुछ पैसा हो जान दी एक ऐसा प्यारा सा दुकान खोलूँगा जिसमें ढेर सारा मेहनत करूँ और कुछ अच्छा पैसा कमा के बच्चों को हेल्प में लगाएं और उसके लिए कुछ बचा कर रखें, बचत आगे के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोच कर रखें हम लोग। तो कुछ भी काम करने से पहले कुछ पैसा की भी ज़रूरत होती है। और रही बात परदेश जाने की, अभी हम लोग अपने गाँव में है तो इतना दिक्कत से शहर है, अगर परदेश चले गए तो कमरा किराया सब करना ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता, और दो दो महीना पे उधर सैलरी मिलती है, तो बहुत कुछ सोच के आगे कदम बढ़ाया जाता है। और ऐसे में इतना मैं मेहनत कर चुका हूँ अभी तक, आकाश की मम्मी कभी बताएंगी आपको, हमें शुरू से ब्लॉग बनाता होता तो जो जो काम किया हूँ अगर वीडियो में दिखाता तो अलग अभी चैनल हो गया होता हमारा, और आप देख भी लेते कि क्या क्या काम किए हुआ, ऐसे में बहुत काम में सीखा हूँ। तो गर्मी आने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ अगर नहीं पैसा का जुगाड़ हो पाएगा दुकान वकान खोलने का, परदेश भी जाना पड़ेगा, तो अभी ठंड में नहीं, क्योंकि सर्द में तो अभी ऐसी घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ परदेश में जाके काम कहाँ से करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, करेंगे। और आप देखिए और पतला करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 4 इंच की दीवार पे दो बार आकाश को चढ़ा दी और
सफेद वाला बालू से जुड़ा है। देखिए आप सूत्र चूर पे पैर नहीं रख सकते, देख सकते हैं वो चट निकाल दिए काश की मम्मी, और एक अपने हाथों से जहाँ काम कर रहा था लेबर में तो वहीं से बोरा लिया था तो चट एक कितना प्यारा सा सी है उसको नीचे बिछा दे रहे कि इनका गद्दा खराब ना हो। तो चलिए, और मैं वो लकड़ी का जुगाड़ कर दिया हूँ उस पर खड़ा करने के लिए, फिर तिरपाल टांगेंगे और बाकी क्या काम है आपसे बताएंगे। बहुत प्यारा सा एक काम सोचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या चीज़ को हम लोग कितना सुंदर बिस्तर बना दिए, कितना प्यारा कैसे कैसे आप लोग देखने को मिला था, और फिर भी कैसे बिछा बिछा के मस्त लगा दिए आकाश को मम्मी ओढ़ने वाला कंबल को खोल चढ़ाया ना दोस्तों कि ठंड नहीं लगता। एक ही कंबल में हम लोग पाँचों आदमी आराम से सो जाते हैं घेकूर के, कितना प्यारा लगता है। मैं तो देख सकते हैं विजय बाबा कैसे कील मार के उसको बराबर करके कर रहे हैं। हवा आएगा ना हाँ। तो ये है ऐसे कर दूंगा मस्त दिखेगा। देख सकते कितना तेज से हवा चल रहा है, और इसमें कील मार दे रहा हूँ कि गिरने का भी डर नहीं रहेगा। हाँ बढ़िया, देखिए कितना मस्त बढ़िया हो चुका है। चलिए तिरपाल टांग लीजिए, रखिए। क्या तरीका अपना रहा हूँ मैं, तिरपाल भी टांगना इतना वो नहीं है, आसान नहीं है। नहीं तो पता चला खाना बना रहे आंधी आया उड़ गया ऊपर 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 उड़ गया वो जो हम लोग बांध के रखे थे ना। अभी इसको घसकाना भी खोलना इधर उधर करना पड़ेगा। लो पुकारा लो खेलो ये वाला गेट पे टांग दीजिए जी, रख दीजिए। तो इसको मैं पहले यहाँ फंसा लेता हूँ। अभी देख सकते हैं दोस्तों कैसे बनाया हूँ, ये बन भी सकता है गजा, दिमाग लगाया फिलहाल यहाँ जाम कर देता हूँ इतना भी। हाँ फिर उधर करेंगे खींच के, नहीं तो उधर खींचते थे तो इधर से लूज हो जाता था, परेशान हो गया। और हवा इतना तेज चल रहा है और ये बहुत मस्त बना दिया। इधर कितना रखेंगे थोड़ा सा, हाँ हवा लेकिन हाँ इधर बहुत है। हाँ बहुत है लंबा हो गया हमारा, अब मैं पहले इधर पीछे जाके जाम करूँगा इतना चाहिए इधर, मैं जाम कर दूंगा फिर उधर टाइट खींच के बांधूंगा मस्त हो जाएगा ना। खाली वो नहीं जाएगा इधर से, इधर से हवा आता है ना ज़्यादा। आकाश को हम कर रहे थोड़ा तिरपाल को ऊपर बनाइए तो मेरे देखिए क्या दिमाग लगा, धुआं निकल जाएगा। हाँ तो इसको पहले जाम कर देता हूँ हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये मिस्त्री लोग साथ कारपेंटर का काम कर करके मैं भी थोड़ा सीख गया बाकी तो मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों कैसे जाम हो जाएगा, हौरी नहीं है से ही काम। तिरपाल देखिए यहाँ पर लाइट भी जलेगा, चार इंच नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो सही रहेगा, थोड़ी हाँ थोड़ी नहीं है वो सही। देखिए बिल्कुल जाम हो चुका है दोस्तों, और इधर थोड़ा सा हलाए हैं तो मिट्टी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, मस्त हो गया। और दूसरा मैं करने वाला हूँ
रस्सी किधर दिया? वहीं पे। ये है रस्सी जो गुब्बारा टांगे हुए थे इस पे। दोस्तों चढ़ने पे इतना हवा तेज लग रहा है कि हाथ जाके सेंधना पड़ जा रहा है। इतना शाम हो गया हम लोग के काम करते करते, थोड़ा सा काम करते हैं और ठंड लगने लगता है बहुत जोर से। दोस्तों डबल ही रस्सी रहेगा तो सही, छोटा पड़ गया। चलिए डबल कर दूंगा मैं। दोस्तों देख सकते हैं कैसे विजय को बना रहे हैं ठंड से बचाने के। हो गया दोस्तों ठंड से बचाने के लिए, इतना हवा चल रहा है हम लोग एक कील मार दे, मैं लाफ कील दे दे दो। पिलासा कहाँ रखनी है? नीचे बा हाँ जी लीजिए, इसको पकड़ कर रखा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं तिरपाल लगा दिया हूँ आकाश की मम्मी के लिए, और ये देख सकते हैं दोस्तों खिड़की बना दिया धुआं निकलने के लिए, जस्ट चूल्हे में से धुआं निकलेगा। और दोस्तों एक चीज है, इधर से हवा नहीं आता है, कभी कभी आता है ज्यादा, ये वो हो गया अपना पश्चिम और पूर्व, पूर्व पश्चिम ज्यादा हवा आता है तो इधर तो दीवार है ही है, नहीं आता है, और इधर से ज्यादा आता था इसीलिए ठंड लगता है। ये देखिए, ये देख सकते हो दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड है, देख सकते हैं। इसको जा रहे हैं हम लोग, हाँ इस पीछे से कील मारेंगे और जाम कर देंगे तो हवा बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत महसूस हो रहा है। और खास करके उस से हम लोग को ज्यादा बचना था तो उस तो आकाश के मम्मी के सर पे लगे गए नहीं। आकाश को देखिए कितना खुश है, कांप रही है, अच्छा कांप रही है हवा तेज आ रहा। तो चलिए दोस्तों ऐसी हमारा प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रहिए और कमेंट में बताते रहिए, उस सब हम लोग ज्ञान सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे आप लोग के आशीर्वाद से। चलता हूँ अभी पीछे, उधर तो कैमरा अंधेरा अंधेर आएगा, दिखाऊंगा फिर भी आपको थोड़ा बहुत। तो हम लोग आ चुके हैं इधर पीछे, देखिए हमारा कुटिया, यहाँ देखिए जो हम बैंगन के पेड़ लगाई हूँ कितना मस्त बैंगन फल है छोटा छोटा, अभी देखिए उधर फल भी रहा है, इधर भी फूल बत्ती भी उठाया है, इसमें भी एक बैंगन फल है और टमाटर देखिए कितना क्यों ठंड से सूख रहा है काजन, बहुत सारे टमाटर भी लगाए हैं। तब देखिए चार पांच टमाटर भी फल गए हैं, अब जो कहा देखिए क्या कर रहे हैं, कील मार रहे हैं, हम करते हैं एक यहाँ पर मार दीजिए, बस बस रहने दीजिए, हमारा इधर सब धनिया का पत्ता लगाई हूँ तो अभी तो रात से इतना ही दिखाई देगा, देख सकते हैं। हाँ देखिए पास में ले आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये धनिया का पत्ता लगाई हूँ वही जाम रहा है सब, देख सकते हैं कितना मस्त रात में देख भी दिखाई दे रहा है, पास में लाइट बाली हूँ ना इस मोबाइल का टॉर्च। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा कुटिया कुटिया हमारा, देखो आकाश के मम्मी को ठंड से बचने के लिए मस्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे देखते हैं। देख सकते हैं आकाश की मम्मी शाम के टाइम क्या कर रही हैं, इधर देखिए कितना सुंदर फल हुआ है और भी दो तीन, तो इसको इधर से चढ़ा दे रहे, शाम तक चढ़ जाएगा हमारा टाट के ऊपर, वो भी मजबूत कर दिए बना के। देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा कुटिया दोस्तों कितना आप लोग का आशीर्वाद दुलार से बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं शाम के टाइम हो गया है और हम लोग सपनों के आंगन में खड़े हैं और आकाश की मम्मी जहाँ खाना बनाती हैं कितना प्यारा बना दिया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। और ये है दोस्तों लकड़ी रखे हैं, इसको हम लोग कल बनाने वाले हैं, अगर ठंड थोड़ा नॉर्मल हुआ तो ड्राइंग टेबल जहाँ बच्चे बैठ के खाना खा सके। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अच्छा ना भी लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए हमारे लिए, ठंड में देख सकते हैं दोस्तों कितना हम लोग परेशान है, हवा देख सकते हैं दोस्तों कितना तेज है। और जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम लोग को आशीर्वाद बनाए रखिए, ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना अपना ख्याल रखें हम लोग, और इंस्टाग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वीडियो जो एंड तक देखे दिल से दिल से।